इसमें ड्रग पैडलर्स शामिल हैं, खालिस्तानी शामिल है, आईएसआई शामिल है, इन सब के लिंक मिले हैं और तो मिले हैं। लेकिन लेकिन यहाँ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इसी वजह से सॉफ्ट कॉर्नर जो धार्मिक लोग हैं उनके दिलों में अमृतपाल का और बनता जा रहा है, क्योंकि यही उनका कहना है कि नाजायज हो रही है। और ये बात हर किसी की समझ में नहीं आ रही, जिस तरीके से आपने शशांक देव जी समझाया कि और भी कई धाराएं हैं वो लागू हो जानी चाहिए, क्योंकि देश की अखंडता को भंग करने की यहाँ पर बात हुई है। लेकिन ये बात आम लोगों की समझ में नहीं आ रही, उनका आज भी यही मानना है कि ये नाजायज हो रहा है अमृतपाल के साथ, और ऐसा ही नाजायज हमें सिखों के साथ होता आया है, इस वजह से उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है। और तो और अकाली दल ने, भूपेंद्र, अकाली दल ने यह बात कही है कि जो लोग डिटेन किए गए हैं उनकी कानूनी लड़ाई में शिरोमणि अकाली दल सहायता करेगा। मतलब एकदम जोर शोर से पॉलिटिकल इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। भूपेंद्र, अकाली दल के कुछ नेता लगातार ये बयान कर दे रहे हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया, और वो जो एक पॉजिटिव साइड है वही साइड बता रहे हैं जिसमें कि अमृत छकाते थे वो, साथ में चिट्टा छुटाना, ड्रग छुटाना, ये करते थे। क्योंकि मुझे एक एड ऑन मैं इसमें करना चाहूंगी भूपेंद्र, क्योंकि अकाली दल का अभी कुछ खास वजूद पंजाब में बचा नहीं, तो मुझे लगता है रिवाइवल के लिए वो अमृतपाल इसलिए उसको ज्यादा सिंपथी दिखा रहे हैं कि पार्टी के रिवाइवल के लिए अमृतपाल एक बहुत बड़ा की साबित हो सकता है। भूपेंद्र, वो जो जिसकी मर्सिडीज सामने आ रही थी, रावेल सिंह का नाम सामने आ रहा है, वो रावेल सिंह के कनेक्शन ड्रग पैडलर से हैं, ये एजेंसीज ने पता लगाया है। और एजेंसीज का ये भी कहना है कि ये नॉर्मल ड्रग पैडलर्स नहीं है, ये वही हैं जो पंजाब को हमेशा पीछे रखना चाहते हैं, पंजाब के युवाओं को पीछे रखना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? इस वक्त पकड़ में पकड़ से बाहर है वो, ये समझ के बाहर है। और सोनी साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब ये देश रहेगा तब धर्म रहेगा। ये धर्म की बात करते हैं, धर्म के आधार पर एक नया देश की का बात कर रहे हैं आप। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस देश में पूरी स्वतंत्रता है आपको, आप आपके कम्युनिटी के लोग प्रधानमंत्री बनते हैं इस देश का, और तब भी जो है इस तरह की बात अगर होता है कि अकाली दल ये बोलता है कि डिटेन किया जा रहा है तो उनको जो है मैं लड़ूंगा, ये किस तरह की राजनीति है? ये इलेक्शन कमीशन को जो है इनको बैन कर देना चाहिए। आज हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो एक्ट नहीं कर पाती है समय पर, क्योंकि जो पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है धर्म के नाम पर, तो उन पर इमीडिएट बैन लगना चाहिए। आज यूपी में जो हिंसा कमी है ये कारण है टिट फॉर टैट। अगर आप टाइम लेते रहेंगे ना वाला के पिताजी का बयान, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। देखिए हमारा देश जो है ना, जब तक आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे तब तक इस तरह के बातों को जो हवा मिलेगी, और ये धर्म धार्मिक थोड़ी है। जिस तरह का चैट आया है, अश्लील चैट है, आप ये क्या लगता है ये धर्म धार्मिक का व्यक्ति है? यह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है सर, धार्मिक कहां से हो सकता है? आप जिस तरह का आप अगर आप साधु हो तो आप तो वर्ल्डली प्लेजर से, वर्ल्डली जो है मोह से आप ऊपर उठ गए, आप तब आपका मोरल एक वो ग्राउंड बनता है कि आप जो है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज है इसमें, वो जो पाकिस्तान वाला पंजाब वाला हिस्सा है उसकी कोई बात नहीं करता उसमें, ये बड़ा दिलचस्प मामला है, उसको छूना नहीं है, उसको छूते ही नहीं हो जी। बागा बॉर्डर में खत्म हो जाता है। आलोक जी, जी वो पंजे उसको टच नहीं करते वो। इसमें आप समझिए ना कि पाकिस्तान की आईएसआई भी शामिल है खालिस्तान बनाने में, और अगर सिखों का शोषण भारत में हो रहा है तो पाकिस्तान में क्या उनके लिए दूध की नदियां बहाई जा रही है? दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर कोई है माइनॉरिटी तो भारत में है, पूरी धरती में माइनॉरिटी के लिए स्पेशल प्रोविजन है फंडामेंटल राइट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 29 और 30। दुनिया के किसी देश में माइनॉरिटी के लिए ऐसा प्रोविजन स्पेशल नहीं है जहां उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, उसके लिए स्कूल खोलने का अधिकार है, स्कूल की फंडिंग करने का अधिकार है, उसमें सरकार नियंत्रण नहीं रखती, इतने अधिकार दिए गए। एक ऑडियो और आया है आलोक जी, ये जो गैंग है इसके बारे में एक ऑडियो आया है, आपस में कुछ दिक्कत है, जरा सुनते हैं क्या है। जी,
यार कि मैंने वेखो लगता भी अपने बंद ना कोई रड़े रुड़े आ सरकार के ना तो यह ना भी भाई साहब का नुकसान हो जाए तो कि जे कि तू कि मैसेज मूसेज आता ना तो मैं तो गिरफ्तारी दे देने लगा वा तो उन्होंने भी कहो भी गिरफ्तारी दे दे कि ना आए भी मतलब आप बाद फड़े जाने क्योंकि फड़ा उन्होंने कि ना कि अपने बंद ने देना वा अपनी बेइज्जती बड़ी होनी इस गल जे मतलब पुलिस फड़ ली जे आप अपने तौर पर दें ना गिरफ्तारी तो वो साड़ी शान है इस गल यार कि मैंने वेखो लगता भी अपने बंद ना कोई रड़े रुड़े आ सरकार के ना तो यह ना भी भाई साहब का नुकसान हो जाए तो कि जे कि तू कि मैसेज मूसेज आता ना तो मैं तो गिरफ्तारी दे देने लगा वा तो उन्होंने भी कहो भी गिरफ्तारी दे देना कि ना आए मतलब आप बाद फड़े जाने क्योंकि फड़ा उन्होंने कि ना कि अपने बंद ने देना वा अपनी बेइज्जती बड़ी होनी इस गल जे मतलब पुलिस फड़ ली जे आप अपने तौर पर दें ना गिरफ्तारी तो वो साड़ी शान है इस गल तो भूपेंद्र ये कहीं ना कहीं सजेशन के तौर पर मुझे लगता है अगर कॉल आपस में इन लोगों का हुआ और सजेशन के तौर पर एक उनके समर्थक ने ही ये सजेशन दिया है कि आप भागिए मत और अगर किसी की बात इन दिनों अमृतपाल से हो रही है तो उनको ये कहा जाए कि वो सरेंडर कर दें क्योंकि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो बेइज्जती बहुत होगी और सवाल भूपेंद्र ये भी उठाए जा रहे थे कि अगर वो सच्चा सिख है तो भागा क्यों गिरफ्तारी दे देता अगर उसने कुछ गलत नहीं किया किसी बात का डर नहीं है तो गिरफ्तारी दे देता और ये जो ऑडियो हमने सुना को किस बात के डर आप संत मान रहे हो अपने आप को तो संत को किस बात का डर भाई कानून लाख हो कानून लेकिन अगर कुछ गलती नहीं करी तो कानून क्या कर लेगा बात सही है बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी हाँ। जी भूपेंद्र जी देखिए जो ऑडियो है ये मान लो सरेंडर कर दे तो थोड़ी राहत होगी अगर अगर ये वाला शो इस शो को अमृतपाल या उनसे उनके कोई समर्थक देख रहे हैं तो ये बात जरूर सुनना कि अगर गिरफ्तारी दे देते हैं या सरेंडर कर देते हैं तो ज्यादा भलाई है उसमें डॉक्टर आलोक क्यों भलाई है उसमें देखिए भूपेन जी उससे उनका पक्ष सामने आएगा अभी क्यों है कि हम एक पक्ष देख पा रहे हैं जो हमारे पास है वो अपना पक्ष भी रखे फिर जनता तय करे अभी क्या है कि केवल एक पक्ष ही बात जिस तरह की उनके ऑडियो लीक हो रहे हैं इसका मतलब क्या है उन्हें पहले से अंदाजा था कि जो काम कर उसमें गिरफ्तारी होगी दूसरा उन्हें यह भरोसा नहीं था कि अपने ही लोग उनका साथ देंगे जो खालिस्तान बनाने की इच्छा रख रहे हैं और 100 200 500 लोग भी ऐसे नहीं जुटा पाए जिन पर पूरा भरोसा करें सिर्फ तो इतना ही नहीं हुआ अभी कुछ महीने भी पूरे नहीं होंगे वो अजनाला वाली घटना को थाने की थाना घेर लिया और मारपीट हो गई ऐसा कहीं देखा है कहीं पंजाब में तो कई सालों से नहीं हुआ ऐसा नहीं इसमें देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार थोड़ा दोषी है उसने बहुत पोलाइटली लिया नहीं पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मान साहब ने और कहा कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं जो पंजाब की हवा खराब करेगा ये उन्होंने कहा है भूपेन जी उसमें हुआ कि वो 4 मिनट लेट हो गए ये गलती पंजाब सरकार की बट मैं फिर कहता हूं देर आए दुरुस्त आए लेकिन गलती हो गई ये चीज उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए ये मौका नहीं आने देना चाहिए था तू थाना घेर ले उसके पहले उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए ये गलती पंजाब सरकार से हुई लेकिन फिर भी मैं पंजाब सरकार को बधाई देता हूँ आम आदमी पार्टी को बधाई देता हूँ कि कम से कम देर ही सही बट एक्शन अब वो कम से कम जो एक सरकार देखिए सरकार का मतलब होता है एक बार भरोसा रूल ऑफ लॉ को एग्जीक्यूट कराना सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी है उसमें अब कम से कम जो है आम आदमी पार्टी की सरकार एक्टिव दिखाई दे रहा जख्म को नासूर बनने में देर नहीं लगती ये वो जख्म है जो किसी भी समय नासूर बन जाता और अभी अगर ये अश्लील चैट सामने आई है तो मुझे लगता है कि जो समर्थक सोच भी रहे होंगे कि ये संत हैं तो कम से कम उनकी आंखें खुलनी चाहिए और एक कोई गलत व्यक्ति हमारे किसी ऐसे पद पर बैठ जाए जिसको हम पूजे तो अच्छा हुआ कम से कम आंखें खोल दी भला हुआ जो बगरी फूटी लेकिन कुछ समर्थक भूपेंद्र ऐसे हैं जो यही कहेंगे कि मॉफ्ड है ये ऑडियोज मॉफ्ड है ये जो चैट है ये मॉफ की गई चैट है और डिफेम करने की कोशिश है चलिए बात वापस आते हैं अमृतपाल और जो राजनीतिकरण इस मुद्दे का हो रहा है शशांक जी आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी जिस तरीके से अकाली दल समर्थन कर रहा है इस मैटर को लेकर बेशक सीधे तौर पर तो अमृतपाल का समर्थन नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को नाजायज पुलिस ने काबू में किया है उनका वो बचाव करेंगे कानूनी सहायता उनको देंगी और
अकाली दल लगातार बंदी सिखों की रिहाई के लिए, बेशक वो हरसिमरत बादल हो या सुखबीर बादल हो या उनके पिताजी हो, बंदी सिंहों की रिहाई की बात जो है वो हमेशा से उठाता रहता है। और यही बंदी सिंहों की रिहाई का मुद्दे की वजह से ही अजनाला का पूरा कांड हुआ था। तो लूपहोल्स कहाँ है, और इसी वजह से जो समर्थक हैं अमृतपाल के वो ये मानते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, नाजायज हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ आप इस पूरे मामले पर एक बार एक वकील होने के नाते स्पष्टीकरण दें कि अगर सजा पूरी हो चुकी है तो अभी उनकी रिहाई के लिए इतना डिले क्यों है। देखिए, आपके दो प्रश्न मुझे लगते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी रिलीजियस संगठन के लोगों को, चाहे वो लीगली और इलीगली डिटेन हुआ है, उसको जो है कानूनी सहायता देने की बात करती है, तो पहले मैं इस प्रश्न, और दूसरा जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न यह है कि दूसरा प्रश्न फिर रिपीट करेंगे। सजा पूरी होने के बाद भी क्या कारण है कि अगर इनको रिलीज नहीं किया जा रहा, जब पता है कि इतना उन्माद इस वजह से फैल गया है, नेगेटिव छवि जा रही है गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फिर कहां लूपहोल्स हैं? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैं पहले प्रश्न के ऊपर पहला आता हूं कि देखिए, जितनी भी ये पार्टियां हैं जो जिनका आधार धार्मिक है, वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन लोगों और उन संगठनों को सहयोग करते हैं जिससे उनकी जो प्रासंगिकता है वो बनी रहे। और अकाली दल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्म के आधार पर है, और उसी धर्म के जो 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 धर्म जो है अमृतपाल सो कॉल्ड जो है प्रोपोगेट कर रहा है, उसी धर्म का कहीं ना कहीं दोनों का जो विचार है, धार्मिक विचार है, कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह से नहीं, अगर सामंजस्यता खाती है तो कहीं ना कहीं मेल तो जरूर खाती है। और यही कारण है कि अकाली दल इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं रख रहा है कि जो भी आदमी को डिटेन किया जाता है उसको कानूनी सहायता दी जाएगी। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जो प्रजातंत्र है उसमें सभी को जो है स्वतंत्रता है पार्टी चलाने के लिए, पार्टी को कैंडिडेट नॉमिनेट करने के लिए, लेकिन वो कानून के परिधि के अंतर्गत करने का, यह भारत की अखंडता को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जो है इस तरह की बात वो कर सकते हैं। कि अगर पहले भारत की अखंडता, अगर तो ये कह दिया के ऊपर शशांक जी, उन्होंने उनसे पूछा गया था कि अमृतपाल से कि आपके पास में तो भारतीय पासपोर्ट है, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। नहीं, तो डॉक्यूमेंट तो हमारा संविधान भी डॉक्यूमेंट है। अरे डॉक्यूमेंट तो यही है सर, सब चीज डॉक्यूमेंट ही है। इनका जो खालिस्तान का जो सो कॉल्ड जो इनका प्रोपोगेशन है, वही तो डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट से ही तो राइट आते हैं। डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो बिना डॉक्यूमेंट के अनडॉक्यूमेंटेड राइट हो जाएंगे फिर। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड राइट होने के लिए सब चीज तो डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट आपने लिया है तो उसके सोवरेनिटी और उसकी अखंडता को तो आपने एक्सेप्ट किया है ना। तो कहने का ये अर्थ है कि ये सब जो ये कर रहे हैं, वो अगर कोई भी जानने वाला, समझने वाला, अगर शिक्षित व्यक्ति है, वो समझ सकता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अकाली दल पर तुरंत बैन लगना चाहिए। अगर कोई भी, अगर पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड है, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो इन लोगों को प्रोपगेट करता है, इनकी धार्मिक भावनाओं को जो है समर्थन करता है इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली इसको समझा जाए। हमारा संविधान ये कभी नहीं कहता है कि आप जो है ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर का समर्थन करें कानूनी सहायता देकर के। अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आपके ऊपर बिना देर किए हुए आप पर इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसलिए मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज इस तरह की घटना घटते रहेगी। कहीं आज पंजाब में हो रहा है, कहीं यूपी में होगा, परसों बिहार में होगा। जहां तक दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा पूछा कि भाई जो सजा पूरा कर लिए वो क्यों नहीं छूटते। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारी एक न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था में कुछ खामियां जरूर है, नो डाउट अबाउट, लेकिन न्यायिक व्यवस्था मेरी मजबूत है, और यही न्यायिक व्यवस्था सबको सजा देती है, यही न्यायिक व्यवस्था सबको जो है, अगर जो निर्दोष होता है उसको जो है वो सजा मुक्त भी करती है। तो सबसे पहले ये बात आपको समझना होगा कि ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है, और इसी तरह की न्यायिक व्यवस्था है। जहां तक सरकार की गलती और न्याय व्यवस्था की गलती की बात है, तो यह एक अनवरत प्रक्रिया है। आज अचानक ओवरनाइट आप किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं।
बहुत ऐसे लोग आज जेल में बंद है जिनकी सजा पूरी हो गई, लेकिन उसके उसके ऊपर कोर्ट जो है संज्ञान भी ले रही है और कार्रवाई भी की जा रही है और न्यायपालिका जो है पूरी तरह से सक्षम है इन लोगों को जेल से निकालने के लिए। तो ये तो एक एक अलग जो है यह विवाद है और इसके ऊपर जो है मैं नहीं समझता हूं कि अमृतपाल से जोड़ा जाना चाहिए। अमृतपाल एक राजनैतिक रूप से जो है अपनी अपने धार्मिक कट्टरवाद कट्टरवादिता को जो है वो प्रचार कर रहा है और जो लंदन में हो रहा जो और भी देश विदेश में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये 10 दिन की बात है? कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरी जो है एक तंत्र है, उस तंत्र को समझने की जरूरत है और उसको मार आइडियोलॉजी को खत्म करने की जरूरत है। अमृतपाल को खत्म करने की जरूरत नहीं है, इस आइडियोलॉजी इस विचारधारा को खत्म करने की जरूरत है। जब तक ये विचारधारा रहेगी इस तरह के अमृतपाल बहुत सारे जन्म लेंगे और इस तरह का चीज हमेशा जो है वो होता रहेगा। तो जरूरत इस बात की है